नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव ख़त्म हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जो 10 MP हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन बने हैं और उनके कंपटीटर कौन रहे हैं, कितने वोट मिली हैं, कितना डिफरेंस रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अम्बाड़ा से, जो एक नंबर लोकसभा सीट आती है, वहाँ से वरुण चौधरी जीते हैं और ये आते हैं कांग्रेस से, और इनको जो वोट मिली है वो 6,63,000 वोट मिली है। इनके जो कंपटीटर में थे वो थे बंटो कटारिया, वो BJP से हैं। तो इनका जो टोटल डिफरेंस है वो 49,000 वोटों का डिफरेंस है। नंबर दो पे चलते हैं। नंबर दो जो सीट है वो है कुरुक्षेत्र की, यहाँ से नवीन जिंदल जी जीते हैं जो BJP से हैं, और इनको वोट मिली है 5,42,175। इनके कंपटीटर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी थे और जो आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़े थे, और इनको 5,13,000 वोट मिली है। जो डिफरेंस है दोनों का वो 29,000 वोटों का है। इसके बाद 3 नंबर सीट की बात करते हैं जो सिरसा से है, और यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की शैलजा जी जीती हैं, 7 लाख वोट उनको मिले हैं। इनके कंपटीटर अशोक तंवर BJP से रहे हैं, जिनको 4,65,000 वोट मिली है। तो काफ़ी बड़े अंतर से इन्होंने इसको हराया है। नंबर 4 सीट आती है हिसार की, जहाँ से जयप्रकाश जी बनो हैं इंटरनेशनल कांग्रेस से, इनको 5,70,000 वोटें मिली हैं। इनके कंपटीटर में रणजीत सिंह जी थे BJP से, जिनको 5,07,000 वोट मिली हैं और इनका डिफरेंस 63,000 वोटों का रहा है। 5 नंबर पे आते हैं करनाल से, जो कि इस बार हरियाणा के लिए हॉट सीट मानी जा रही थी, जहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी जीते हैं BJP से, 7,39,000 वोट उनको मिली हैं, और उन्होंने हराया है दिव्यांशु बुद्धि राजा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनका डिफरेंस 2,32,000 रहा, और इनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय का। नंबर 6 सोनीपत की सीट है, सतपाल ब्रह्मचारी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जीते हैं यहाँ से, इनको 5,48,000 वोट मिली है। इनके कंपटीटर रहे हैं मोहनलाल बादोली, 5,26,000 वोट इनको मिली हैं। इनका डिफरेंस 21,000 वोटों का रहा है, जो सबसे कम डिफरेंस है हरियाणा में, जो सबसे कम डिफरेंस है, मतलब कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में रही है। और रोहतक की सीट की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से जीते हैं, और इन्होंने अपने कंपटीटर अरविंद शर्मा जी को हराया है, और इनका जो डिफरेंस रहा है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा वोटों का, यानी कि एक तरफा मुकाबला इनके बीच रहा। 3,45,298 वोटों से इनको हराया गया। 8 नंबर सीट भिवानी महेंद्रगढ़, यहाँ से धर्मवीर सिंह जीते हैं, जो भी BJP से आते हैं। इन्होंने 5,88,000 वोटें हासिल की, और इन्होंने राव दान सिंह को हराया है। इनका डिफरेंस 41,000 वोटों का रहा है। 9 नंबर सीट गुरुराम की सीट आती है, और यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं, जिन्होंने 8,08,336 वोटें हासिल की, और इन्होंने अपने कंप्यूटर राज बब्बर जी, जिनको अभी इसी साल मतलब इसी लोकसभा में उतारा गया था, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है, और 7,33,000 वोटें उन्होंने जीती हैं, और इनका डिफरेंस जो रहा है वो 75,000 वोटों का रहा है। इनको राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। हिंदी में बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संख्यायिकी एंड कार्यक्रम योजना मंत्रालय इनको मिला है। 10 नंबर सीट की बात करें तो ये फरीदाबाद की सीट आती है, जहाँ से कृष्ण पाल गुर्जर जो है वो BJP से जीते हैं, इनको 7,88,000 वोटें मिली हैं, और इनके कंपटीटर रहे हैं महेंद्र प्रताप इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इनके डिफरेंस 1,72,000 वोटों का रहा है, और इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, और ये सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो ये थे पूरे 10 मंत्री, इनमें 5 जो है BJP से हैं MP, और 5 जो है वो कांग्रेस से हैं। तो 50-50 यहाँ पे मुकाबला रहा,
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।